राधे मूवी का फर्स्ट डे कलेक्शंस के हिसाब से रियल पोटेंशियल क्या है, यानी कि राधे मूवी अगर थिएटर में नॉर्मल सिनारियो में रिलीज होती तो कितनी कमाई करती। ये वीडियो मैं इसलिए आज बना रहा हूँ क्योंकि फिल्म रिलीज को 2 दिन का सिर्फ वक्त बाकी है। अभी तक हमने ट्रेलर देख लिया, पोस्टर्स देख लिए, टीजर्स देख लिए, गाने जो थे इस फिल्म के चारों चार देख लिए। हर चीज देखने के बाद मैं स्ट्रांगली कह सकता हूं कि इस फिल्म में वांटेड का जो वाइब है वो है, यानी कि वांटेड का जो फील है वो 110% है। यानी कि वांटेड का जो एक फ्लेवर था उसका नींबू निचोड़ दिया इस फिल्म में भी, सेम वही फ्लेवर के साथ है। और यहाँ पे सलमान खान फॉरएवर यंग लग रहे हैं, और ये 27 साल का लौंडा किस तरह से आपको एक्साइट करेगा, किस तरह से फाइट करेगा, किस तरह से रोमांस करेगा, ये हम लोग देखने के लिए आतुर है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये दादाजी है, अपनी पोती की उम्र के साथ रोमांस कर रहे हैं। ब्रो, ही इज 27 एंड ही कैन रोमांस एनीबॉडी ही वांट्स। करेंटली यहाँ पे बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल की बात करना चाहूंगा कि फर्स्ट डे ये फिल्म का कितनी कमाई करने का दम रखती है बॉक्स ऑफिस पर। जी हाँ दोस्तों, होश आवाज पे बोल रहा हूं मैं, ये फिल्म 40 से लेकर 42 करोड़ मिनिमम बोल रहा हूं, मिनिमम 40 to 42 करोड़ तक का पोटेंशियल रखती है नॉर्मल सिनारियों में। इवन 45 करोड़ के ऊपर भी जा सकती है जस्ट बिकॉज इट्स ईद रिलीज। अगेन लेट मी क्लियर, ईद रिलीज है, 40 to 42 करोड़ ये मिनिमम कमाती, और मैक्स टू मैक्स 45 करोड़ तक ये जा सकती है। ये इसका फर्स्ट डे का बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल है। भले ही लोग मुझे पागल कहे, कुछ कहे, बट ये पूरा पूरा दम रखती है फिल्म इतना कमाई करने की। इस फिल्म में जान है, इस फिल्म में एक्शन है, इस फिल्म में धमाका है, इस फिल्म में रोमांस है, इस फिल्म के गाने कमाल के हैं, टीजर्स कमाल के हैं, ट्रेलर काफी अच्छा है। तो कुल मिला के यस 42-45 करोड़ के बीच के रेंज में ये फिल्म कमाती अगर ये नॉर्मल सिनारियो पे आती थिएटर में। दिस इज व्हाट आई फेल्ट लाइक। चलिए फर्क कितना है।